हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? सो लेट्स स्टार्ट द डेली करंट अफेयर्स जीके क्विज फॉर नवंबर ऑफ 16th। क्वेश्चन नंबर वन है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। ठीक है जी, सो बताना है चार स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी करेक्ट है। इट इज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर कस्टम मैटर्स, ये करेक्ट है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 एज कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल। सर मेरे को तो आइडिया नहीं है इस बारे में, और लग तो वैसे कुछ ऐसा सही रहा है, चलिए देखते हैं। इट इज एन एक्सटेंडेड विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सर कोई आइडिया नहीं। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट ब्रसल्स, ये भी मेरे को पता है कि कंफर्म्ड है, क्योंकि ब्रसल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ पे काफ़ी दो तीन बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। एक ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, एक यूरोपियन यूनियन का हो गया, एक हमारे नेटो का हो गया। ऐसे ही जो ब्रसल्स का पड़ोसी है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया नाम के देश की कैपिटल है, जो वियना को भी मोस्ट लिवेबल सिटी का भी हाईएस्ट इंडेक्स आया है अंडर मोस्ट लिवेबल सिटी इंडेक्स, जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप वालों ने निकाला है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, इस पर भी सेपरेट वीडियो है। वियना में भी काफ़ी बड़े फेमस फेमस हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे वासेनार अरेंजमेंट का भी सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और कमाल की बात यह है जो ओपेक है उसका भी हेडक्वार्टर्स वियना में ही है। सो खैर, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वन भी क्लियर है मेरे को, फोर भी क्लियर है मेरे को। मैं कहता हूं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब बचा या तो ये या तो ये। मतलब मेरे पास 50% स्कोरिंग चांस मेरा बन गया है अब कि मैं ठीक ही लिखूंगा। अब 1 2 4, 1 2 4, 2 तो दोनों में ही है, इसका मतलब ये भी हो गया कि 2 भी करेक्ट है। ठीक है जी, अब मेरे को चेक करना है कि 3 है कि नहीं। देखो जी, एक्सटेंडेड विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये गेस करना बहुत ईजी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसी चीज को हमें पता ही होता है कि ये एक्सटेंडेड आर्म है कि नहीं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन का पार्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि यूएन के जो भी पार्ट हैं उस सब में यूएन का नाम तो अपने आप जुड़ता ही है। यूनेस्को हो गया, यूनिट्रैल हो गया, यूएनसीएफ हो गया, उस सब में यूएन आता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है या जो आईएमएफ है या डब्ल्यूसीओ है, ये सब तो नहीं हो सकता ना यूएन का पार्ट। तो आंसर हो गया 1 2 4 सी। देखिए, इससे मैंने ये सब इतना आपका टाइम क्यों लिया, बिकॉज अगर आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा जरूरी नहीं है आप देखते ही शोर शॉट होंगे किसका आंसर ये है। बट आपको एक तरीका मिल जाएगा मेरी वीडियोस देख के कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। सर और टाइम मत वेस्ट कीजिए, आपने जो करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है प्लीज उस पर फोकस कीजिए। श्योर सर, श्योर। सो क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं कि निपुन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑनलाइन लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ पुलिस पर्सनल। अब आपने कहा टाइम सेव करना है तो सब में यही लाइन लिखी है, तो ये तो आपको पहले ही बता दूं, जो निपुन है ये एक ऑनलाइन LND कहते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पोर्टल है ऑफ पुलिस पर्सनल, यानी कि जो भी पुलिस पर्सनल हैं उन सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म बनाया है। किसने बनाया है? महाराष्ट्र पुलिस ने, CBI, दिल्ली पुलिस, CVC। आजकल आप कहें तो ये चारों वैसे तो न्यूज में रहते ही हैं बुरे साल, आजकल CBI जी तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में चल रहे हैं, CVC भी बहुत न्यूज में चल रहे हैं। बट क्या आंसर है आपका? सी, दिल्ली पुलिस ने ये बनाया है। वॉट इज द अदर नेम फॉर रिवाइज्ड क्योटो कन्वेंशन? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ कस्टम्स प्रोसीजर्स, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके जरा ट्राई कीजिएगा, एंड आई अश्योर यू, जैसा कि मैंने ऑफलाइन बेसिस पे देखा है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, रादर मैं कहूँ 95% ऑफ द स्टूडेंट्स, रिवाइज क्योटो कन्वेंशन मीन्स क्योटो प्रोटोकॉल, 95% of the students said be Kyoto Protocol.
हाँ प्लीज क्वेश्चन इतना हैस्ट तरीके में मत करें। रेडीनेस स्पीडनेस स्विफ्टनेस रिक्वायर्ड नहीं है जब तक आपको 100% 10% गारंटी ना हो। इसका आंसर है ए। जी हाँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ कस्टम्स प्रोसीजर्स। दोबारा मेरे साथ बोलें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ कस्टम्स प्रोसीजर्स, इसे कहते हैं रिवाइज्ड क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी WCO ने ही डिक्लेयर किया था, जो है ब्रसल्स में। जो ये मोस्ट फेमस क्योटो प्रोटोकॉल है, ये 1992 का यूएन का फ्रेमवर्क है, जिसका पूरा नाम है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योटो क्या है सर? क्योटो एक जगह है जापान में, जो एक टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी जापान की। अब की डेट में कैपिटल कौन है जापान की? वो है टोक्यो। ठीक है सर, आगे का क्या बता रहे हैं? जो वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, वो है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पे है। ये यूनाइटेड, आपका जो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ये वो नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स UDHR नहीं है, वो अलग चीज है। ये अलग चीज है, ये मैंडेटरी नहीं है वियना डिक्लेरेशन। और जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, वो मैंडेटरी होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ है एक ओजोन लेयर बचाने के लिए। ये प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल जगह आती है कनाडा में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो, आप ये वीडियो थोड़े टाइम से देख रहे हो, सो प्लीज सर डू गिव अस योर फीडबैक। इट्स हाईली हाईली वैल्यूएबल फॉर अस। एंड आप हमें, हमारा मिशन सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इन वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हैं। हमारा मिशन है फ्री एजुकेशनल वीडियोस पहुंचाने का एंड हाई क्वालिटी क्लासेस एजुकेशन पहुंचाने का, जो कम से कम टाइम में आपके नॉलेज लेवल को बूस्ट कर दे। एंड मोर ओवर, अगर आप और ही कोई वीडियोस रेफर करते हैं, तो आपको और ऑप्शन मिल सके। कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको एक ही वीडियो में आपको 100% चीजें कवर हो जाएंगी। यू नीड टू कवर सेवरल वीडियोस सो दैट आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, दैट विल लीड टू योर 110% चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।